बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में एक नई ड्रग के बारे में बात होगी जो रिसेंटली एफडीए ने उसको अप्रूव किया है फॉर डायबिटीज और फॉर ओबेसिटी, दोनों के लिए इन्होंने किया है। और नॉन अल्कोहलिक जो डिजीजेज हैं, हेपेटिक डिजीजेज हैं, उसके लिए भी इसको अप्रूव किया है। तो इसके बारे में बात होगी। इसका नाम है टर्सीपटाइड और जो ट्रेड नेम है मोनजेरो फॉर ओबेसिटी एंड डायबिटीज। आई एम डॉक्टर अब्दुल मालिक, असिस्टेंट प्रोफेसर फार्माकोलॉजी, कॉलेज ऑफ फार्मेसी, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा। और इसके साथ साथ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। और इसके साथ साथ जो इसके एंड तक इसको वॉच करें एंड तक और इसको शेयर करें। आज जो है इसके बारे में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट जो चीज़ें इन्होंने हाईलाइट की हैं, क्या उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। सबसे पहले जो है टर्सीपटाइड है, एफडीए अप्रूव्स लिलीज मोनजेरो टर्सीपटाइड इंजेक्शन फर्स्ट एंड ओनली जीआईपी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड जीआईपी एंड जीएलपी वन रिसेप्टर एगोनिस्ट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एडल्ट्स विद टाइप 2 डायबिटीज। क्योंकि जीएलपी वन तो ऑलरेडी इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे सीमाग्लूटाइड, लिराग्लूटाइड, मल्टीपल जो ड्रग्स हैं एक्सिलाटाइड, ये अवेलेबल है। लेकिन जीआईपी के ऊपर अभी तक फर्स्ट ड्रग है जो ये दरियाफ्त हुई है और एफडीए ने इसको अप्रूव कर दिया कि इसको आप लगा सकते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट है उनको दे सकते हैं। इट इज एन एनालॉग ऑफ गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड, ए ह्यूमन हार्मोन विच स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम द पैंक्रियास। बेसिकली ये पैंक्रियास से इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाते हैं और ये इनडायरेक्टली जो काम करते हैं हमारे जीआईटी से, ये जीआईटी में मौजूद होते हैं ये रिसेप्टर्स इनके। और टर्सीपटाइड इज ए लीनियर पॉलीपेप्टाइड ऑफ 39 अमीनो एसिड्स। मोनजेरो इज अवेलेबल इन 6 डोजेस, 2.5 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम, 7.5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, 12.5 मिलीग्राम एंड 15 मिलीग्राम। ऑटो इंजेक्टर पेन विद प्री अटैच्ड हिडन नीडल दैट फॉर द पेशेंट। तो इसके बारे में हम देख रहे हैं, यहाँ पे देख लें आप इसकी फिगर कि कैसे आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। मोनजेरो जो है 5 मिलीग्राम पर एम एल जो है वो 0.5 ml अवेलेबल है, 10 मिलीग्राम 0.5 ml अवेलेबल है, इस तरह 15 मिलीग्राम में भी तीनों डोज में ये अवेलेबल है। तो ये मतलब ऑटो इंजेक्टर होता है, इसकी नीडल भी इतना क्लियर नहीं है लेकिन आराम से इसको लगाया जा सकता है। और ये टर्सीपटाइड का 39 अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है, बेसिकली 39 अमीनो एसिड्स है और सिंपल लीनियर स्ट्रक्चर है इसका। तो ये भी आपको मैंने बता दिया। आप यहाँ पे हम बात करते हैं इंडियाना बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसका नाम है इलाई लिली। लिली जो कंपनी है फर्स्ट अप्लाइड फॉर द पेटेंट इन 2016। उसके बाद जो है ये मुकाबले के तौर पे ये ड्रग बनी है जो नोवो नॉर्डिस्क कंपनी के सीमाग्लूटाइड के, लेकिन इसका जो इफेक्ट है उससे कई गुना ज्यादा है क्योंकि इसके मैकेनिज्म जरा डिफरेंट है। टर्सीपटाइड इज ए ग्रेटर अफिनिटी टू जीआईपी एंड अदर जीएलपी रिसेप्टर। जीआईपी की निस्बत इसको जीएलपी की निस्बत जीआईपी पे ज्यादा इफेक्ट है, यानी उस पर भी करती है लेकिन इस पे जीआईपी पे जो नया एक मैकेनिज्म है इसके ऊपर इफेक्ट ज्यादा है। एंड दिस ड्यूअल एगोनिस्ट बिहेवियर हैज बीन शोन टू प्रोड्यूस ग्रेटर रिडक्शन ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया कंपेयर टू है जो सिलेक्टिव जीएलपी वन रिसेप्टर एगोनिस्ट थे उनकी निस्बत, जैसे सीमाग्लूटाइड है, लिराग्लूटाइड है, एक्सिलाटाइड है, 5-6 ड्रग्स उनकी अवेलेबल है, उनकी निस्बत इसका इफेक्ट ज्यादा है। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं टर्सीपटाइड जो है बेसिकली इंटेस्टीन में जो सेल्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टीन में वहां से जो है ये रिलीज करते हैं जीएलपी वन को, और जीआईपी जो है वहां पे भी सेल्स होते हैं ये रिलीज करते हैं। और उनका इफेक्ट ब्रेन के ऊपर क्या होता है, पेंक्रियाज के ऊपर, व्हाइट एडिपोज टिश्यू के ऊपर, ये देख लेते हैं। मसलन ब्रेन के ऊपर डिक्रीज एपिटाइट, डिक्रीज फूड इनटेक, इंक्रीज वेट लॉस, और वेट लॉस में भी इंपॉर्टेंट ड्रग है। इसके बाद पेंक्रियाज में इंसुलिन सिक्रीशन को इंक्रीज करना, इंसुलिन सिंथेसिस को इंक्रीज करना, बीटा सेल सर्वाइवल को इंक्रीज करना, रीजनरेशन में भी हेल्प करते हैं। व्हाइट एडिपोज टिश्यू में देखें इंक्रीज लाइकोलाइसिस जीएलपी वन, इंक्रीज लाइकोजेनेसिस जीआईपी, अवॉइड एक्ट्रोपिक फैट डिपोजिशन में भी ये हेल्प करता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद टर्सीपटाइड इज परहैप्स द मोस्ट पोटेंट एजेंट डेवलप्ड टू डेट टू टैकल द ग्लोबल प्रॉब्लम ऑफ डायबिसिटी, यानी ओबेसिटी भी हो जिसमें डायबिटीज भी हो तो डायबिसिटी कहा जाता है, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। ये लिली कंपनी का ये फर्स्ट जो है ड्रग है जिसने डिस्कवर की है और ये काम जो है डायबिटीज पेशेंट के लिए टाइप 2 डायबिटीज के लिए इंपॉर्टेंट है। एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं, टू ए स्लाइटली लेसर एक्सटेंट पेशेंट आल्सो रिपोर्टेड रिड्यूस एपिटाइट, अदर साइड इफेक्ट इंक्लूड डिस्पेप्सिया, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, डिजीनेस एंड हाइपोग्लाइसीमिया देखे गए। मजीद डिस्कशन जो है
वो होगी बाद में जब इसको आगे इस्तेमाल करवाया जाएगा तो मुख्तलिफ जगहों पे इसके जो रिपोर्ट है सर्विलेंस उससे पता चलेगा इसका क्या प्रॉब्लम है।